Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इंग्रेडिएंट्स चाटना चालू किए, सो लाइकवाइज थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स करने फर्स्ट चालू किए मैंने। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट सेट कुक। जैसे ही मैं किचन काउंटर पे पहुंचा, सबसे पहले मैंने टोमेटो चटनी चढ़ा दी। उसके बाद में आई थॉट ऑफ मेकिंग द थीपला डो एज इट वुड टेक टाइम टू रेस्ट। उसके बाद में बैक ऑफ द माइंड यही था कि व्हाट वुड बी द ट्विस्ट इंग्रेडिएंट, लेकिन आई वॉज नॉट, मैंने उसके अराउंड अपना डिशेज प्लान आउट नहीं किया था क्योंकि आई वॉज रेडी फॉर दैट चैलेंज। ये है शेफ मेरा यंत्र, यानी ये कॉफी मेकर। हर एक साउथ इंडियन परिवार में रोज सुबह यूज होता है। एग्जैक्टली। अब ये लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिजर्ट बनाने में, कुछ कुकीज बनाने में, चाहे तो डिप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ कॉफी मेकर में कॉफी नहीं बन सकती। करेक्ट। मतलब मैं चिली डिकॉक्शन बना सकता हूँ इसमें। मैं ग्रेप जूस को थिकन करके उसमें कुछ फ्लेवरिंग डाल के उसका डिकॉक्शन निकाल सकता हूँ। मतलब इट्स बेसिकली कि एक परकोलेटेड फ्लेवर आना चाहिए, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाय शेफ इशिता, क्या बना रहे हो? सो आई एम मेकिंग अ ग्रेनोला पार्फे, अ प्लेटेड वर्जन दैट मेबी यू कैन टेक इट लाइक इन अ जार एंड गो इन अ पिकनिक स्पॉट। देन आई एम मेकिंग सम शॉट्स, क्यूकम्बर शॉट्स, सो दीज आर गोइंग टू बी डिटॉक्स शॉट्स अगेन। वेरी मच लाइक गाज़पाचो और not gazpacho, a little more thinner version of it, but let's see, like I am still playing along with some ingredients, so let's see what comes through. And apart from that, I'm making a vegan hummus, so it's going to be like a cashew based hummus, and that's going to have your scallion cream cheese on top. Chef Ishita, I have a question. You have 60 minutes. Yes. You have this huge pantry here. Yes. And you know the culinary champion title is at stake. Do you think you're doing justice with whatever you're cooking? I believe I am. Let's see how it works out. If I need to add more ingredients to it, I think you should more dishes up your game a little bit more. Sure. इसी तरह मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोग अगर पिकनिक जाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। मतलब एक स्मूदी दे दोगे आप, साथ में एक वो जूस दे दोगे। Trust me, it's going to be very fulfilling because it's going to have nuts, it's going to have oats. So basically, it becomes like a meal in itself. खाना कहाँ है? खाना भी तो चाहिए। And how's this yantra being used? So this is going to be infused in my hummus. So your cashew nut and your coffee is going to be infused together. So the concoction is going to be poured on top as in a layer of oil together. So salty coffee? Not really. You will have a little nice tinge of that bitterness coming in through, but still have a little subtleness with the sesame on top. Looking forward to it. Sounds very exciting. All the best. Thank you. Hi, Chef Devesh. क्या बना रहे हो आप? I'm making thepla tacos. Are you Gujarati? Yes. Oh, so you're playing on your strength. क्या? माने thepla जो है साथ में क्या मिलेगा? A version of Greek salad. What's in the taco? I'm making curried zucchini stuffing. Okay. Along with the tomato chutney. This is for the tacos. Yeah, this is for the tacos. And orange juice and maybe a soup which I'm going to infuse orange with herbs. Juice and soup for a picnic. या तो आपको पिकनिक की कुछ यादें फीकी हो गई हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि मतलब पिकनिक पे कोई खाना नहीं खाएगा। भाई साहब पिकनिक पे डबल भूख लगती है। तो आप कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे जूस और सूप पिलाकर? कल्नरी चैंपियन टाइटल इज एट स्टेक, यू ऑलरेडी हैव कॉम्पिटिशन हियर, डोंट यू थिंक यू शुड अप योर गेम अ लिटिल बिट? पुश योरसेल्फ, यू विल कम अप विद समथिंग रियली नाइस। पर यार ना पिकनिक से वापस आके खाना नहीं खाना, यू नो इट शुड बी अ पिकनिक विच इज वेल रिमेम्बर्ड। आई वॉन्ट यू टू कम अप विद समथिंग रियली बैंग ऑन। And the competition is real. Do something. So Chef Ishita, वो एक detox juice बना रही है cucumber के साथ, एक salad बना रही है और एक hummus बना रही है। Correct. मेरे हिसाब से तो खाना बहुत कम बना रही थी। मेरे ख्याल से शेफ एक पिकनिक के हिसाब से, I think of course और ज़्यादा, it's a picnic spread. It has to be like a spread, you know. It should be like wow. Picnic में ना कुछ बातें जो हम ध्यान रखते हैं कि अच्छा छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो मतलब पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक बेवरेज होनी चाहिए, साथ में कुछ सैंडविच होना चाहिए, थोड़ा कुछ फिलिंग होना चाहिए, कुछ मीठा तो जरूरी है। बिल्कुल मीठा सोचा ही नहीं।
ये लोग ना अपने आप को पूरी तरीके से अगर उभार के सोचेंगे तो इनके पास 3 गैस रेंज है, इनके पास मिक्सर ग्राइंडर है, इनके पास फ्रीजर है, इनके पास ओवन है और इतनी बड़ी पैंट्री है, इतनी बड़ी पैंट्री है, सब कुछ एक साथ चल सकता है। या दिवेश एक थेपला टाकोस बना रहा है विच इज रियली एक्साइटिंग और उसको अंदर उसमें वेजिटेबल फिलिंग दे रहा है, साथ में एक सूप बना रहा है और एक जूस बना रहा है। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये स्प्रेड कैसे होने वाला है, मतलब सूप और जूस तो हम लोग जैसे पहुंचेंगे ना वैसे ही खत्म कर देंगे क्योंकि पिकनिक का रूप है। करेक्ट, राइट। और थेपला तो शायद मैं बस में ही निकाल निकाल के खा जाऊं तो फिर वहां जाके क्या खाएंगे। जैसे ही मेरा थेपले का डो रेडी हो गया और मैंने अंडर काउंटर में रखा, वैसे ही साइरन बज गया। आई वॉज कटिंग स्प्रिंग अनियंस फॉर द चीज एंड अपेरेंटली तभी साइरन बजा, तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि मुझे लगा टाइम अप हो गया। फिकर मत करिए, ये समय खत्म होने का साइरन नहीं है, ये साइरन है कि अब बॉस चिलर तैयार हैं अपना चैलेंज आपको देने के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।